आइए, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 के बारे में मुख्य तत्व जानते हैं। WHO की स्थापना कब और कहां हुई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। WHO की स्थापना के समय इसके संविधान पर 61 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इसकी पहली बैठक 24 जुलाई 1948 को हुई थी। WHO का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। WHO क्या करता है? WHO एक वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी है, यानी इसका मुख्य काम दुनिया भर में स्वास्थ्य समस्याओं पर नजर रखना और उन्हें सुलझाने में मदद करना है। दुनिया में स्वास्थ्य संबंधी रुझानों की निगरानी और आकलन करना भी इसकी जिम्मेवारी है। यह संगठन मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य, संचारी रोग नियंत्रण और संचारी रोग आदि की रोकथाम की दिशा में काम करता है। स्वास्थ्य संगठन के मौजूदा प्रमुख का क्या नाम है? अभी WHO के प्रमुख टेड्रोस एडहानम है। 3 मार्च 1965 को जन्मे टेड्रोस एडहानम इथोपिया के हैं। वह माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मलेरिया रिसर्चर भी है। WHO का अहम काम क्या रहा है? अपनी स्थापना के बाद से WHO ने स्मॉल पॉक्स बीमारी को खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाई है। फिलहाल WHO एड्स, इबोला, टीवी, कोरोना जैसी खतरनाक बीमारियों की रोकथाम पर काम कर रहा है। WHO वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार होता है, जिसमें पूरी दुनिया से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का एक सर्वे होता है। भारत भी इसका सदस्य है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य है। भारत में इसका मुख्यालय देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। भारत में WHO द्वारा किए गए स्वास्थ्य संबंधी प्रयास चेचक, स्मॉल पॉक्स, वर्ष 1967 में भारत में दर्ज किए गए चेचक के मामलों की कुल संख्या विश्व के कुल मामलों की लगभग 65% थी। इनमें से 26,225 मामलों में रोगी की मृत्यु हो गई। इस घटना में भविष्य में होने वाले अथक संघर्ष की विकट तस्वीर प्रस्तुत की है। वर्ष 1967 में WHO ने गहन चेचक उन्मूलन कार्यक्रम इंटेंसिफाइड स्मॉल पॉक्स एरिडिकेशन प्रोग्रामिंग प्रारंभ किया। WHO और भारत सरकार ने समन्वित प्रयास से वर्ष 1977 में चेचक का उन्मूलन किया गया था। पोलियो, विश्व बैंक की वित्तीय एक तकनीकी सहायता से WHO द्वारा वर्ष 1988 में प्रारंभ की गई वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल ग्लोबल पोलियो एरिडिकेशन इनविटेटिव के संदर्भ में भारत ने पोलियो रोग के खिलाफ मुहिम की शुरुआत की। पोलियो अभियान 2012 भारत सरकार ने यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, विल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, रोटरी इंटरनेशनल और रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्रों की साझेदारी से 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो से बचाव हेतु टीका लगवाने की आवश्यकता के बारे में सार्वभौमिक जागरूकता में योगदान दिया है। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप वर्ष 2014 में भारत को एंडेमिक देशों की सूची से बाहर कर दिया गया। उद्देश्य एवं कार्य, अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन संबंधी कार्यों पर निर्देशक एवं समन्वय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र के साथ विशेष एजेंसियों, सरकारी स्वास्थ्य प्रशासन, पेशेवर समूहों और ऐसे अन्य संगठनों जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी हैं, के साथ प्रभावी सहयोग स्थापित करना एवं उसके बारे में रखना। सरकारों के अनुरोध पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान करना है। ऐसे वैज्ञानिक और पेशेवर समूहों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना जो स्वास्थ्य
प्रगति के क्षेत्र में योगदान करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वर्तमान निर्देशक कौन है? टेड्रोस अधानोम जो इथोपिया के रहने वाले हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आगामी वर्ष 13 जनवरी 2020 को वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों की सूची जारी की है। सूचीबद्ध खतरों में सबसे ऊपर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR और जलवायु संकट था। अन्य खतरों में इन्फ्लुएंजा महामारी और HIV, मलेरिया और तपेदिक जैसे संक्रामक रोगों का प्रसार शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया कि ज्यादातर मौत स्ट्रोक या कॉर्निस या रेसिपिटेटरी डिजीज, हार्ट अटैक और लंग कैंसर की वजह से हुई है, जो वायु प्रदूषण मुख्य कारण है। थैंक यू फ्रेंड्स। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार के ओम जयंती मंगला काली।